दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया हो तो कुछ वेबसाइट्स में लिखा होता है कि इस वेबसाइट को देखेंगे तो बेस्ट किसी सर्टेन ब्राउजर पे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्जन 9 के ऊपर ज्यादा अच्छा दिखेगा, या फिर फायरफॉक्स के किसी वर्जन के ऊपर ज्यादा अच्छा दिखेगा, या क्रोम की किसी वर्जन के ऊपर ज्यादा अच्छा दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक ब्राउजर का किसी वेब पेज को दिखाने का तरीका अलग अलग होता है, और वो तरीका अलग क्यों होता है ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य, और आज बात करेंगे ब्राउजर इंजन के बारे में। दोस्तों, एक वेब पेज या कोई वेबसाइट जब हम एक्सेस करते हैं किसी वेब ब्राउजर के थ्रू, तो बेसिकली एक वेब पेज कई सारे कंपोनेंट से बना होता है। जैसे कि वहां पे टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट के कई सारे वेरिएशंस होते हैं, कुछ बोल्ड टेक्स्ट होता है, कुछ बड़ा टेक्स्ट होता है, कुछ छोटा लिखा होता है, कुछ लेफ्ट में होता है, कुछ राइट अलाइंड होता है, कुछ जस्टिफाइड होता है, अक्रॉस द पेज लिखा होता है। तो टेक्स्ट होता है, उसके कई सारे वेरिएशंस होते हैं, ऐसी इमेजेस होती हैं जिनके अलग अलग साइजेस हो सकते हैं, जो अलग अलग पोजीशंस पे लगी हो सकती हैं, ऐसे वीडियोस भी होते हैं जिनके अलग अलग साइजेस हो सकते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे लगे होते हैं, और ऑडियो भी होता है। तो एक वेबसाइट के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, उन सबको किस तरह से पेश करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, और कहाँ पे प्रेजेंट करना है, मतलब उनका लेआउट कैसा रहेगा, कहाँ पे कौन सी चीज लगानी है, ये चीज जो डिसाइड करता है ब्राउजर के अंदर, जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इस काम को करता है, उसे कहते हैं एक ब्राउजर इंजन। और इस सारे काम को कि रिप्रेजेंटेशन जो एक वेब पेज होता है उसे जिस तरह दिखाना है, दिखाया गया है उस तरह दिखाने का जो काम होता है उसे कहते हैं रेंडरिंग। तो एक वेब ब्राउजर के अंदर किसी वेब पेज को रेंडर करने का काम एक ब्राउजर इंजन करता है, और इसी वजह से अलग अलग ब्राउजर्स पे सर्टेन वेब पेजेस अलग अलग तरह के दिख सकते हैं, क्योंकि वो किसी सर्टेन ब्राउजर इंजन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होंगे, और आप जब दूसरे ब्राउजर पे देखेंगे उसे तो वो थोड़ा अलग दिख सकता है ओरिजिनल ब्राउजर जिसके लिए वो ऑप्टिमाइज किया गया उससे। तो अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर ब्राउजर इंजन की, ये कहानी कहां से शुरू हुई। तो शुरुआत हुई वर्ल्ड वाइड वेब जब इनोवेट हुआ था, तो सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर जो ब्राउजर इंजन था वो था गेको, जो कि आज भी यूज किया जाता है मोजिला के फायरफॉक्स ब्राउजर्स के अंदर। अभी रिसेंटली मोजिला ने उसे ऑप्टिमाइज करके क्वांटम नाम से फिर से रिलीज कर दिया गेको को ही, और प्रेजेंटली जो फायरफॉक्स के अंदर यूज किया जा रहा है वो एक क्वांटम ब्राउजर इंजन। उसके बाद आता है ट्राइडेंट ब्राउजर इंजन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर्स में यूज करने के लिए, और वो भी फेज आउट कर दिया गया है, बहुत पहले ही फेज आउट कर दिया गया था। और अभी जब माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 रिलीज हुआ तो उसके साथ एक वेब ब्राउजर आया था माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि यूज करता था एज एचटीएमएल, जो कि पर्टिकुलरली उसी माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए ही कस्टम बनाया गया था उस ब्राउजर इंजन को। उसके बाद बात करते हैं केएचटीएमएल की। केएचटीएमएल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्राउजर इंजन है, क्योंकि केएचटीएमएल खुद तो ओपन सोर्स था और काफी पॉपुलर भी था। केडी एनवायरनमेंट, लिनक्स का केडी एनवायरनमेंट है, वहां से डिराइव हुआ था केएचटीएमएल। और केएचटीएमएल को एप्पल ने फोर्क किया था, एप्पल ने उठाया, उसे कस्टमाइज किया और वेबकिट नाम का एक ब्राउजर बनाया, जो कि सफारी ब्राउजर्स में वेबकिट नाम का ब्राउजर इंजन बनाया जो कि सफारी ब्राउजर में एप्पल यूज करता है। अब जो वेबकिट ब्राउजर इंजन है उसको गूगल ने फोर्क किया, उसको गूगल ने उठाया, उसे कस्टमाइज किया और अपने क्रोम ब्राउजर्स में यूज करने शुरू कर दिया। और क्रोम ब्राउजर्स के अंदर जो ब्राउजर इंजन यूज होता है उसे कहते हैं ब्लिंक, जो वेबकिट से डिराइव हुआ है। वेबकिट को उठाया, उसे कस्टमाइज किया और ब्लिंक ब्राउजर इंजन बना दिया गूगल ने। और अभी प्रेजेंटली क्रोम सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्राउजर है इंटरनेट के अंदर, लगभग 50% ऑफ द जो ट्रैफिक है, लगभग 50% ट्रैफिक इंटरनेट के अंदर क्रोम ब्राउजर के थ्रू आता है, मतलब जो 50% लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एज ने अपना एज एचटीएमएल छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट एज को क्रोम पे बेस्ड रिलीज करने की तैयारी कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। और क्रोम के, अगर आपको पता हो तो एक क्रोम स्टेबल वर्जन होता है, और बाकी क्रोम के तीन और फ्लेवर्स हैं, जो कि एक है बीटा, दूसरा है डेव और तीसरा है कैनरी। कैनरी रेगुलरली हर रोज अपडेट होता है, वो नाइटली बिल्ड है, मतलब हर रात को वो अपडेट, हर रोज डेली बेसिस पे वो अपडेट होता है। जो डेव चैनल है, जो डेवलपर क्रोम का डेव चैनल है, वो वीकली बेसिस पे अपडेट होता है, और जो बीटा चैनल है वो और थोड़ा कम फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, और स्टेबल चैनल सारी पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो रेयरली ही, मतलब कभी महीने दो महीने में एक आध बार अपडेट होता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर क्रोम पे बेस्ड है वो प्रेजेंटली
दो फ्लेवर्स में अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट एज डेव चैनल और माइक्रोसॉफ्ट एज कैनरी चैनल, बिल्कुल जैसे कि क्रोम अवेलेबल है। आपके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज क्रोम पे बेस्ड वाला यूज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अभी इसे अपने विंडोज 10 बेस्ड किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के लिए भी, मैक ओएस के लिए भी रिलीज करने की प्लान कर रहा है, जैसा कि उस वेबसाइट में अवेलेबल है, जो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। परफॉर्मेंस बेसिकली अभी मुझे क्रोम स्टेबल से तो काफ़ी पुअर था, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट एज डेव का रैम यूटिलाइजेशन लगभग 3 गुना ज़्यादा था क्रोम स्टेबल से, जैसा कि मैंने इस स्नैपशॉट में आपको दिख रहा होगा। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा क्रोम के कोड बेस के अंदर, तो हो सकता है इससे दोनों कंपनीज को फायदा होने वाला है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी कंट्रीब्यूट करेगा अपना जो रिसोर्सेज है क्रोम के अंदर, और क्रोम तो पहले से ही बहुत पॉपुलर वेब ब्राउजर है, तो इससे जो माइक्रोसॉफ्ट एज की जो शॉर्टकमिंग्स थी जिस वजह से वो पॉपुलर नहीं हो पा रहा था, वो शायद ट्रबल शूट हो जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट हम एंड यूजर्स को मिलने वाला है इवेंचुअली। और क्रोम, जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्रोम एक इकोसिस्टम सा बना रखा है गूगल ने, कि उसके अंदर आप एक्सटेंशन, जैसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप क्रोम ब्राउजर के अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पूरे के पूरे लैपटॉप क्रोम पे बेस्ड आते हैं, जिन्हें क्रोम बुक्स कहते हैं। तो क्रोम पहले से ही बहुत पॉपुलर, बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है, और अगर माइक्रोसॉफ्ट एज क्रोम पे बेस्ड आने वाला है तो ये बहुत ही अच्छी बात है विंडोज यूजर्स के लिए और इवेंचुअली मैक यूजर्स के लिए, जिनको ये मिल जाएगा फ्यूचर में। तो लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया, शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम में डिलीवर होते रहे। यहाँ पे ऊपर मैंने एक पोल डाल रखा है जिसमें आपको मुझे ये बताना है कि आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं अपने डेली बेसिस पे, और अगर आपको कॉन्टेंट इंप्रूव करने के लिए कोई सजेशन देना है तो आप कॉमेंट्स में जरूर बताइए, मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।